हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस के क्लास 10th के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 से मैंने ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे बाहर फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये पूरे चैप्टर 1 का निचोड़ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, जो भी इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन इज बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, कॉम्बशन ऑफ एलपीजी, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। आंसर इज बी, कॉम्बशन ऑफ एलपीजी। कॉम्बशन ऑफ एलपीजी इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्वड एट रिएक्शन टेम्परेचर। ऑप्शंस आप देख लीजिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2H2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2H2O लिक्विड। इन क्वेश्चन द H2 इज हाइड्रोजन गैस, O2 इज ऑक्सीजन गैस एंड H2O इज वाटर, इट मीन्स लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:1, ऑप्शन नंबर सी 4:1 एंड ऑप्शन नंबर डी 1:2। आंसर इज बी 2:1। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। ऑप्शंस द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड एंड नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आंसर इज सी, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आंसर इज ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। BaCl2 प्लस NH4 2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन आप देख लीजिए। आंसर इज बी, 4Al प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Al2O3। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 आर मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंस एंड प्रोड्यूस ओनली 1 प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कम्फोर क्रिस्टल्स, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। आंसर इज ए, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम रिलीजेस एनर्जी, हेंस दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, ऑप्शन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर इज डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement of oxygen occurs from Fe2Al, hence this is an displacement reaction. Next, question number 9, addition of H2 and elimination of O2 is called reduction reaction, oxidation reaction, redox reaction, rusting reaction. Answer is A, reduction reaction. Reduction, adding of hydrogen and releasing of oxygen. Oxidation, releasing of hydrogen and adding of oxygen.
Next, question number 10. The reaction in which energy is absorbed is called exothermic reaction, combination reaction, endothermic reaction, or evaporation reaction. Answer is C, endothermic reaction. Exothermic reaction, releasing of heat energy. Endothermic reaction, absorption of heat energy. Next question, question number 11. The chemical formula of lead nitrate is, options aap dekh lijiye, answer is B, PbNO32. Nitrates is represented by NO3. Next question number 12. A chemical reaction involves breaking of bonds, formation of bonds, no change, both breaking and formation of bonds. Answer is D, both breaking and formation of bonds. It means rasayanik abhikriya ek prakriya hai jisme kisi padarth ke aadvik ya ayanik sanrachna ka punarvyavastha shamil hoti hai jo bhautik roop mein parivartan ya parmanu abhikriya se alag hota hai. Next question number 13. Which one of the following is not a characteristics of chemical change? A, change in color. B, evolution of gas. C, change in temperature. D, change in size. Answer is D, change in size. Rasayanik abhikriya ek prakriya hai jisme kisi padarth के आणविक या आयनिक संरचना का पुनर्व्यवस्था शामिल होता है जो भौतिक रूप से परिवर्तन या परमाणु अभिक्रिया से अलग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विद सॉरी विदाउट एनर्जी चेंज. आंसर इज सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस अभिक्रिया को सेलुलर श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which chemical equation is correct and balanced for the following statement? Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. Options aap dekh lijiye. Answer is C, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. Yah ek prakar ki combination reaction hai. Next question number 16. 2KClO3 solid heat solid is equal to 2KCl plus 3O2 gas. मतलब सॉरी 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन. ऑप्शंस, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर. नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एकॉम्पेनियंट बाय रिलीज ऑफ हीट. इट इज अ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर. आंसर इज सी, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड एकॉम्पेनियंट बाय रिलीज ऑफ हीट. इसी का उपयोग हम चीनी बनाने में तथा आतिशबाजी में भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following processes involves chemical reactions? Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, liquefaction of air, liquefaction of air, sorry, keeping petrol in a china dish in the open, heating copper wire in the presence of air at high temperature. Answer is D, heating copper wire in the presence of air at high temperature. Copper oxide ka nirman hota hai aisa karne se. Next question number 18. Which among the following is double displacement reaction? Options aap dekh lijiye. Answer is B, Na2SO4 plus BaCl2 is equal to BaSO4 plus 2NaCl. एक double displacement reaction एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अभिकारक आयन नए उत्पादों के निर्माण के लिए स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, जैसा कि इसमें हुआ है. Next question number 19. The following reaction is an example of a MnO2 plus 4HCl is equal to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Options dekh lete hain. Displacement reaction, combination reaction, redox reaction, decomposition reaction. Answer is C, redox reaction. Redox abhikriya, oxidation, reduction abhikriya bhi kehte hain. Isi ko redox abhikriya ko hi. Kyunki isme dono abhikriya hoti hai. Next question number 20. Which one of the following is not a chemical reaction? Options, rusting of iron material, cooking food, melting of ice, burning paper. Answer is C, melting of ice. तापमान या दबाव जैसे शारीरिक क्रियाएं भौतिक परिवर्तन का कारण बनती है. Next question number 21. Rusting of iron is an example of oxidation reaction, reduction reaction, decomposition reaction and displacement reaction. Answer is A, oxidation reaction. Oxidation reaction upchayan, जिसे upchayan कहते हैं, oxygen का लाभ है. Reduction reaction upchayan कहलाता है, जिसमें oxygen का नुकसान है. Next
Question number 22. The corrosion of silver is called rusting, sonic, allotropy, roasting. Answer is A, rusting. यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब reduction है जो धातु I mean copper, brass, silver आदि की सतह पर जंग की एक परत बनाती है. Next, question number 23. The substance that takes part in chemical reactions are known as product, reactants, compound, a mixture. Answer is B, reactants. Reactants is equal to product. Question number 24. Dry fruits, if not consumed for a long time, get rotten because of change in temperature, rusting, rancidity. None of above. Answer is A, change in temperature. Question number 25. Which one of the following is not mentioned in a balanced chemical reaction? Option is temperature and pressure, state of reactants and products, mass of reactants and products, formula of reactants and products. Answer is A, temperature and pressure. Best option. In balanced chemical reaction, mass, formula of reactants are must be balanced. However, sometimes temperature, pressure and state of reactants or end product are also mentioned. Next, question number 26. Food gives a bad taste and a bad smell sometimes because of rancidity, displacement, corrosion or heating. Answer is A, rancidity. Rancidity के कारण भोजन खराब स्वाद व खराब गंध देता है. Next, question number 27. Combustion of food at cellular level of our body is oxidation, reduction, redox or heating. Answer is A, oxidation. Question number 14 के tips को देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है जहाँ उपचयन और oxidation और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया गया है. Next, question number 28. The formation of water from its component gases is an example of combination reaction, oxidation reaction, decomposition reaction and reduction reaction. Answer is A, combination reaction. दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं. उस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. Next, question number 29. Oxidation is a process in which addition of oxygen, removal of oxygen, addition of hydrogen and addition of electropositive element. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, उपचयन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है. कमी इट मींस अपचयन, ऑक्सीजन का नुकसान है. क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, उसमें बताया है. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ऑप्शन इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर इज बी, हाइड्रोजन. यह परीक्षण हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये 30 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आप लोगों को अच्छे लगे होंगे. प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.